हमने इंडिविजुअल एरर तो देखा, ए में कितना एरर आता है, ए का एब्सोल्यूट एरर क्या है, रिलेटिव एरर क्या है, परसेंटेज एरर क्या है। अब एरर कंबाइंड कैसे होती है? तो नॉर्मली व्हेन वी रिप्रेजेंट सर्टेन क्वांटिटी, वी आर नॉट एबल टू मेजर देम डायरेक्टली, सीधे सीधा हम वो नहीं मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी, वॉट इज द डेंसिटी? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो हमें करना क्या होता है इसमें, डेंसिटी में कितना एरर आया वो हमें कैसे मिलेगा? तो मास का जो एरर मास मेजरमेंट में आएगा, वॉल्यूम मेजरमेंट में जो एरर आएगा वो कंबाइंड होगा, एंड दैट कॉम्बिनेशन गिव्स ए एरर इन डेंसिटी। सो इन दिस सर्कमटांसिस हम कैसे कंबाइन करते हैं? पहले हम बात करते हैं कि एरर ऑफ सम और डिफरेंस। कोई भी क्वांटिटी अगर सम से रिप्रेजेंट होती है या डिफरेंस से रिप्रेजेंट होती है, तो उसमें हमें जो फाइनल क्वांटिटी मिलती है सम के बाद या डिफरेंस के बाद, उसमें एरर कितना आएगा, इसमें एरर कैसे कंबाइन होगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ए, नॉर्मली वी नो फ्रॉम दी अर्लियर वीडियोस दैट हाउ एनी फिजिकल मेजर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड, इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड विथ ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए। डेल्टा ए इज दी एब्सोल्यूट एरर। उसी तरह कोई क्वांटिटी बी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ इट शुड बी रिप्रेजेंटेड व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग दी मेजर्ड क्वांटिटी। माइंड वेल, जब आप मेजर्ड क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हो तो ऐसे रिप्रेजेंट करने का, मतलब ऐसे एक्सप्रेस करने का रिवाज है। ओके, डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर दी इंडिविजुअल एरर इन क्वांटिटी ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो जेड में कितना आएगा? तो जेड में डेल्टा जेड आएगा। तो हमें कैसे मिलता है? तो वी नो दिस फाइनल क्वांटिटी जेड इज ऑब्टेन विथ सम ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का हम सम करेंगे तो जेड मिलेगा। अब बराबर समझिएगा, हम जेड का मेजर्ड वैल्यू लिखने जा रहे हैं, जेड प्लस और माइनस जेड, ए का मेजर्ड वैल्यू लिखने जा रहे हैं, ए प्लस और माइनस डेल्टा ए। सिमिलरली फॉर बी, अब देखिए ए प्लस बी तो क्या है, जेड है, तो ए प्लस बी की जगह आप जेड रख लो, तो हियर जेड विल कैंसल ऑन बोथ साइड्स, तो डेल्टा जेड मिलेगा, ए प्लस और माइनस मिलेगा। हम जब एरर की बात करते हैं तो हम उसका जो एस्टिमेशन में क्या सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कितना एरर आएगा, मतलब मैक्सिमम कितना आएगा, तो इसमें माइनस साइन लेनी ही नहीं है। एक बात समझ लो ठीक से, हियर वी आर डीलिंग विद द एब्सोल्यूट एरर वन थिंग, एंड हियर वी आर डीलिंग विद द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो हमें कोई भी जगह पे माइनस साइन नहीं लेनी है, प्लस ही लेनी है। उसका दो रीजन, एक तो मैक्सिमम वैल्यू हम लेने जा रहे हैं, दूसरा रीजन एब्सोल्यूट एरर कभी माइनस नहीं होती। सो वी शुड कंसिडर ओनली समेशन ऑफ एरर इन ए एंड एरर इन बी, दैट गिव्स द एरर इन जेड। अगर जेड ए माइनस बी है, जेड हमें मिलता है ए और बी के डिफरेंस से, तो सिमिलर रिजल्ट्स फॉलो, वही रिजल्ट हमें फॉलो करने हैं। इसमें प्लस हो जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आइदर, और जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी रिगार्डलेस ऑफ साइन बिटवीन ए एंड बी, यू विल गेट द मैक्सिमम एरर इन जेड एज अ सम ऑफ एरर इन ए, एब्सोल्यूट एरर इन ए एंड एब्सोल्यूट एरर इन बी। ओके, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं कि ये टेम्परेचर दिया गया है T1 और दूसरा टेम्परेचर हमें दिया गया है T2। ओके, उसका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन। तो डिफरेंस इन टेम्परेचर T1 माइनस T2, इसमें हम सीधा सब्ट्रैक्शन करते हैं 50 से 30 का। देख लो ये T1 कैसे रिप्रेजेंट किया, मैंने T1 दूसरी बार लिखा है, T1 दूसरी बार लिखा है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि ये जो T1 है वो ट्रू वैल्यू है, और डेल्टा टी T1 टेम्परेचर में जो एरर आती है वो है, वो उसी वजह से मैंने साइड में लिखा है। अगर आप बुक में देखोगे तो दो लाइन में सम को खत्म कर दिया है, लेकिन समझता है ठीक से। T2 वैसे लिखा है, इसका ट्रू वैल्यू एंड एरर आई हैव मेंशन क्लियरली। पहले हमें डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस कितना होगा T1 माइनस T2, तो यू कैन गेट डिफरेंस क्वाइट इजिली। बट वॉट हैपन्स टू द एरर
इन टेम्परेचर डिफरेंस। तो उसके लिए क्या करना है, डेल्टा टी वन और डेल्टा टी टू, टी टू का सम ही लेना है। माइंड वेल, इधर हम डिफरेंस ले रहे हैं, लेकिन जब हम एरर की बात करेंगे, मैक्सिमम एरर की बात करेंगे, मैंने पहले भी बोला है कि उसमें माइनस साइन नहीं लेना है, प्लस ही लेना है, बिकॉज वी आर सीकिंग ए मैक्सिमम वैल्यू। तो अब मेजर्ड वैल्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस हम कैसे लिखेंगे, तो टी डैश प्लस डेल्टा टी डैश। डेल्टा टी डैश हमने निकाल दिया है और एरर इन दिस टेम्परेचर डिफरेंस वो भी निकाल दिया है, तो वी गेट दिस आंसर क्लियर। वॉट हैपन्स टू द एरर इन द क्वांटिटी विच इज रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट। कोई भी क्वांटिटी प्रोडक्ट से अगर रिप्रेजेंट करोगे तो उसमें एरर कैसे कंबाइन होगी, जैसे कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, प्रोडक्ट से मिलता है एरिया लेंथ और ब्रेथ का। तो लेंथ का मेजरमेंट करोगे, ब्रेथ का करोगे, तो एरिया में कितना आएगा, तो वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। नाउ मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यू नो हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड, ए प्लस और माइनस डेल्टा ए, बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। तो जो जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी इक्वेशन में वो रख दो वैल्यू, ए एंड बी का मेजर्ड वैल्यू। नाउ हैव अ सिंप्लीफिकेशन, ए को मल्टीप्लाई करो पूरे ब्रैकेट से बी प्लस डेल्टा बी, प्लस और माइनस डेल्टा बी का, बाद में बी के को बी को करो। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जेड है और राइट हैंड साइड पे ए बी है, तो लेफ्ट हैंड साइड को जेड से डिवाइड करते हैं। राइट हैंड साइड भी जेड ही है, लेकिन हम जेड से डिवाइड नहीं करेंगे, बिकॉज राइट हैंड साइड डज नॉट कंटेन ए जेड। सो विथ वॉट वी आर गोइंग टू डिवाइड, वी आर गोइंग टू डिवाइड विथ ए बी। ए बी से डिवाइड करो सारे टर्म्स को, ओके तो आपको क्या मिलेगा, इधर वन, इधर भी वन, ओके। सिंप्लीफाई करोगे तो ए बी बी कैंसल, डेल्टा ए बाई ए। ऐसा मत करना, ए कैंसल एंड डेल्टा विल बी लेफ्ट, दिस इज वेरी रॉन्ग। डेल्टा अलग नहीं है, ए अलग नहीं है, वो कंबाइन ही है। डेल्टा ए इज एब्सोल्यूट एरर इन ए, सो डोंट ट्रीट दिस एज डेल्टा इन टू ए, इट इज डेल्टा ए। अब दूसरे तीसरे टर्म में देखो तो कौन निकल जाएगा, ए निकल जाएगा, तो डेल्टा बी बाई बी। और चौथे टर्म में कुछ भी नहीं निकलेगा। अब हम जानते हैं जो क्वांटिटी का मेजरमेंट करता है उसमें एरर का वैल्यू बहुत ही छोटा होता है, उसको कोई भी छोटी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करोगे तो और छोटा होगा, और उससे बड़ी वैल्यू को डिवाइड करो तो इट विल बी इवन स्मॉलर, मीन्स इट इज स्मॉल इनफ सो दैट यू कैन नेगलेक्ट इट, आप नेगलेक्ट कर सकते हो। तो जो फोर्थ टर्म है राइट हैंड साइड का, उसको उड़ा दो। हम उड़ा सकते हैं विद द लॉजिक, ऐसे नहीं, हमारे पास लॉजिक है, डेल्टा है, डेल्टा भी छोटा है, कोई भी वन से लेस वैल्यू है, जैसे 0.01 और दूसरा भी 0.01, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट विल बी इवन स्मॉलर, और उसको बड़ी वैल्यू से डिवाइड करो तो और भी स्मॉल हो जाएगा, वो इतना स्मॉल हो जाएगा कि आप उसको नेगलेक्ट कर सकते हो। तो कर दिया। अब हमें एरर में, हमने पहले भी बात बोली थी, हमें नेगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव ही लेना है। तो अबे इधर क्या मिलेगा, रिलेटिव एरर मिलेगा, एब्सोल्यूट एरर नहीं मिलेगा। तो रिलेटिव एरर इन जेड इज वेरी सिंपली, रिलेटिव एरर इन ए, सम ऑफ रिलेटिव एरर इन ए एंड रिलेटिव एरर इन बी। ए एंड बी में जो रिलेटिव एरर आता है उसका सम करोगे तो जेड का मिल जाएगा। हमने जो शुरुआत की थी वो जेड इज इक्वल टू ए बी से की थी। ऐसा भी हो सकता है जेड इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी, जैसे डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, तो आपका रिजल्ट वही रहेगा जो रिजल्ट हमने जो ऑब्टेन किया है रिलेटिव एरर के लिए। डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, हमने जेड इज इक्वल टू ए बी के लिए हमने ऑब्टेन किया है। अगर आप जेड इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी है तो वही मिलेगा, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। आइदर योर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट और इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ डिवीजन, ओके। अगर डिवाइड भी करोगे तो भी रिजल्ट वही मिलेगा। अब देखिए ये ओम्स लॉ का आपका सम है, ओम्स लॉ आपने किया है 10th स्टैंडर्ड में। रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू द करंट, वोल्टेज का मेजर वैल्यू करंट का मेजर वैल्यू आपको मिला है, तो वो असर कैसे करेगा रेजिस्टेंस पे, तो वो हम इस्तेमाल करेंगे जो चीज़ हम आगे पढ़े हैं, ओके। वी इज अ ट्रू वैल्यू एंड डेल्टा वी इज
एब्सोल्यूट एरर इन वी, आई इज अ ट्रू वैल्यू एंड डेल्टा इज एब्सोल्यूट एरर इन आई। रेजिस्टेंस पता है आर इज इक्वल टू वी बाई आई, लाइक जेड इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी। मैं हमने बोला था कि रिलेटिव एरर कोई भेदभाव नहीं करता अगर प्रोडक्ट में है या डिवीजन में है। तो इधर वी इज डिवाइडेड बाय आई, सो यू गेट यू नो द यू कैन यूज द सेम रिलेशन दैट वी हैव ऑब्टेन अर्लियर। ओके, इसमें परसेंटेज एरर पूछा है तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करो रिलेटिव एरर को। अब रख दो सारे वैल्यू डेल्टा वी वी डेल्टा आई आई एंड यू विल गेट योर आंसर 7%। इसका यूनिट क्या होगा सोचिएगा और इसका जवाब ड्रॉप मतलब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।